चाकू की नोक पर बुजुर्ग दंपत्ति से लूट लिए लाखों के गहने। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ बीरू फौजदार। दिनांक 16 जुलाई 2022 को मियांवाली कॉलोनी में स्थित एक बुजुर्ग दंपत्ति से चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाला व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इसने खुद को प्लम्बर बताकर घर में एंट्री कर लिया था और बुजुर्ग मौका पाकर बुजुर्ग दंपत्ति को चाकू दिखाकर उससे कान की बाली, सोने के कंगन और दो मोबाइल फोन छीनकर वहां से फरार हो गया था। इस घटना की जानकारी पुलिस को जब प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए जाल बिछा लिया। इसको क्राइम डीएलएफ 4 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आज इसको एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह के सामने पेश किया गया। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 16/7/2022 को दोपहर में लगभग 2:37 पे एक व्यक्ति मियांवाली कॉलोनी में पिपलानी परिवार रहता है, उनके घर में घुस के वहाँ पे जो बुजुर्ग दंपति थे उनको चाकू दिखा के उसकी धमकी दे के जो बुजुर्ग महिला थी उसके कंगन और उसके कानों के झुमके और दो मोबाइल फ़ोन वहाँ से लूट के और भाग कर, जिसके संबंध में हमने लूट के तहत केस रजिस्टर करके और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम डीएलएफ फेज 4 ने इसमें जो शामिल आरोपी था उमेश, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की आज। और उसने पूछताछ में इस घटना के बारे में स्वीकार किया है कि उसने यही व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें इसने पूछताछ पे ये भी बताया है कि इसका एक चचेरा भाई है दिनेश, जिसने इस सारे जानकारी वहाँ की दी थी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बुजुर्ग दंपति रहते हैं और वहाँ तो इस तरह की वारदात कर ले तो हम दोनों बांट के आपस में इसमें काफ़ी माल मिल जाएगा और उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। हमने इसमें आज इसको प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इसमें जो घटना में ये दो मोबाइल लूट के लेके गया था मुदई पक्ष के, वो इसके पोजेशन से हमने रिकवर किए हैं। जो कानों की बाड़ियाँ कड़े हैं वो आज पुलिस रिमांड लेके और आगे की रिकवरी की प्रयास किए जाएंगे। इसमें जो और शामिल लोग हैं उनके बारे में हमने 120 बी के तहत आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, जल्द उनको भी हम गिरफ्तार कर लें। सर, जो विक्टिम फैमिली है उससे भी कोई रिलेशन है इसका? ये जो दिनेश है ये उस विक्टिम फैमिली के बारे में जानता था, उसने ही इसको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई थी और ये वारदात करने के लिए उसको सारी बातें समझाई थी। जिसके ये क्योंकि पहले सब्जी की रेडी लगाता था ये व्यक्ति और अब इसको कुछ नुकसान हो गया, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, तो उसके चक्कर में आके और इसने बताया कि भी मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये दो घंटे पहले भी उस घर में आया था और जब उनके लड़के ने इसे पूछा तो इसने बताया मैं प्लम्बर हूँ और इस बहाने से ये आया था और फिर ये वापस चला गया था और दो घंटे बाद फिर उस घर में आके इसने उस वारदात को अंजाम दिया। सर, बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? अभी तक इसे पूछताछ जारी है, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की पहले के इसके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और उसके बाद इसके संबंध में जो उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, इस तरह की तमाम घटनाएं पहले भी कई घटनाएं हुई जब बच्चों को डराकर धमकाकर एक चोर घर में घुसा था, हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं आजकल शहरों में, तो ऐसे में आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या रिश्तेदारों से भी सतर्क रहना पड़ेगा अगर कोई जानकारी मिली है तो? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि रिश्तेदारों से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अनजान व्यक्ति को घर में इस तरह से ना घुसाएं, पहले अपनी तसल्ली करें उसके बाद ही घर में एंट्री दें और थोड़ा सा सिक्योरिटी का सिस्टम ज़रूर रखें। बुज़ुर्ग जिस घर में अकेले हैं या बच्चे अकेले हैं वहाँ इस तरह का ज़रूर सिस्टम होना चाहिए कि आपके घर में कोई अनवांटेड एंट्री ना हो पाए, नहीं तो कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति वहाँ एंट्री लेके और कोई अपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए मैं आम जनता से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतें, हर आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता और
अपने बच्चों को बुजुर्गों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, उनको कोई भी आदमी लालचवश इस तरह की आपराधिक घटना से नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या घर में घुसने वाले हर व्यक्ति की हमें पहले जांच करनी चाहिए? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और गुड़गांव की ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24 ताकि गुड़गांव की लेटेस्ट और ताज़ा न्यूज़ सही समय पर सही टाइम पर आप तक पहुँच सके। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम, नमस्कार।